हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज कोमल उपाध्याय एंड टुडे आई एम शेयरिंग अ सेकंड ब्लॉग ऑफ शिमला दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था हम एडवेंचर पार्क गए थे और उसी इवनिंग को हम लोग आए थे कुफरी। कुफरी बहुत ही अमेजिंग जगह है, मुझे लगता है शिमला में सबसे ज्यादा बर्फ यहीं पर पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, सभी लोग घोड़े पर सवार होके जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक कॉमेडी हो गई थी मेरे हस्बैंड के साथ। मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना एकदम दबंग टाइप है, तब उनको किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन एक जानवर ने जो उनका सीन क्रिएट किया ना, अच्छा खासा डर इनके जहन में बिठा दिया और हम लोग इतने हंसे बहुत ज्यादा, क्योंकि हमेशा ये हमारे ऊपर हंसते हैं। लेकिन उस दिन हुआ क्या था कि इनका जो घोड़ा था ना वो एकदम किनारे पे चल रहा था, बिल्कुल पहाड़ी की किनारे पर। ये बार बार उन भैया को बोलते कि भाई इसको बीच में कर ले, लेकिन इनका घोड़ा था कि बीच में आने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो एकदम साइड में चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनके घोड़े को गुस्सा आ रहा है और वो इनको आज ही नीचे फेंक कर रहेगा। और हम लोग इनके इतने मजे ले रहे थे, सोच रहे थे कि रास्ता थोड़ा सा और लंबा हो जाए ताकि हम और मजे ले सके। भाई इसको इधर कर ले यार, थोड़ा सा ये तो जाने का नहीं मेरे तो। और फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंचे कुफरी। कुफरी में इतनी बर्फ थी, मजा आ रहा था देख देख कर, ऐसा मन कर रहा था वहां पर ही बस जाऊं। मतलब वहां पर ना घर भी नहीं था रहने का, सिर्फ दिन में लोग स्टे करते थे और शाम तक घर पर वापस आ जाते थे, ऐसा वहां पर था। कुफरी में हम लोगों ने स्कीइंग भी की और हम लोग एकदम फ्रेशर थे तो बार बार गिरते, जहाँ पर हमसे स्लिप नहीं हो पाता था तो हम लोग पैदल चल लेते थे, लोग हमें देख रहे थे, हंस रहे थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा गिरते हैं वो लोग जल्दी सीख जाते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा बेटा ज्यादा गिरा तो मुझसे जल्दी सीख गया, और वैसे भी उसको पहले से भी स्केटिंग आती थी तो इसलिए भी उसने जल्दी स्कीइंग को कैच कर लिया। मैंने आगे कर लो डैडी को, इधर को बिठा लो ना, मुंह नीचे की तरफ नहीं, ऐसे सही जाएगी ज्यादा, हमें वो बैठेगी नहीं ऐसे। चलो यहाँ पर हमने ट्यूब स्लाइड भी ली और ट्यूब स्लाइड में भी हम लोगों ने बहुत फन किया, बहुत इंजॉय किया। और क्या था, जाना तो इधर से स्लाइड करते हुए था, लेकिन उधर से जब हम लोग आए तब हम लोगों की बैंड बजी, क्योंकि गए तो स्लाइड से थे लेकिन जब उधर से आए तो हम लोग चलकर आए थे, तो बस फ्रेंड्स। थर्ड डे हम लोग फिर घूमने के लिए निकले और थर्ड डे हम सबसे पहले गए एक जो छोटे वाला हनुमान मंदिर है वहां पर, ये वहां की पिक्स हैं। इसके बाद हम गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये ब्रिटिश रूलर ने यहाँ पर बनवाया था और फिलहाल इसको एक लाइब्रेरी का रूप दे दिया गया है। बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है यहाँ पर और अंदर से देखने में ये बहुत सुंदर है।
बाद हम लोग निकल गए बड़े हनुमान मंदिर के लिए। ये हनुमान जी ऊपर पहाड़ी पर हैं और इतने बड़े हैं कि शिमला में इनको कहीं से भी देखा जा सकता है। और यहाँ पर या तो लोग पैदल जाते हैं या तो फिर लिफ्ट लेकर जाते हैं। यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता, मतलब 2 मिनट में यहाँ पर इतने बादल आ जाते हैं। उस दिन ऐसा ही हुआ था, हम गए दिन में पूरी धूप थी और इस टाइम आके इतने ज्यादा बादल आ गए थे, पूरा मौसम और ज्यादा ठंडा हो गया था। हमारे पीछे हनुमान जी हैं, बादलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हनुमान मंदिर के बाद हम लोग माल रोड पर घूमने के लिए आए। यहाँ पर बहुत सुंदर एक चर्च है, वहाँ पर भी गए और बहुत बड़ा यहाँ पर तिरंगा लगा है, वो भी हमने देखा। फोटो सेशन भी होता है और सभी टूरिस्ट आकर यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर, तो ऑब्वियसली हमने भी खिंचवाई। Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा शिमला का सेकंड व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।